Bueno, ¿qué tengo? Aku masalah bulir, tambah masalah daging daging, daging. आंटी आ रही है पाकिस्तान से, ये सारी पाकिस्तान की सौगातें हैं, क्या ये पता, और ये कुरमुरे इंडिया में भी मिलते हैं, लेकिन सारी चीज़ें हैं ना उसमें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज है ट्यूसडे, 5:15 बज गए हैं। सबसे पहले मैं इशाल को जगाऊंगी, उसके बाद पैरोस को बाहर रख दूंगी। तो आज मैं शाल की लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ क्रसान पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे है मेरे पास एक चीज़ क्रसान पिज़्ज़ा, इसको हम बीच में से कट करेंगे, थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे और ऊपर से इस पर हम मोज़रेला चीज़ स्प्रिंकल कर देंगे। कढ़ाई को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था, अब कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो गई है, तो यहाँ पे मैंने अभी फ्लेम को एकदम लो कर दिया है। अब इसमें हमने क्रोसन रख दिया है, ऊपर से चीज़ स्प्रिंकल कर दिए, अब बस इसको कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। हर 2 मिनट के बाद में इसको फ्लिप करके दोनों तरफ से हमने पका लेना है, ताकि जो अंदर से चीज़ है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो जितनी देर हमें नमाज़ पढ़ने में लगी, उतनी देर में इशाल का क्रोसन पिज़्ज़ा रेडी हो गया था। तो यहाँ पे एक छोटा पीस इशाल बोलती है मैं खा लूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गरम गरम। तो मैंने बोला ठीक है खा लो अभी, और बाकी का मैं लंच बॉक्स में रख देती हूँ। Yeah. Because I put you extra cheese. That's why. इशाल बोलती है मम्मा क्लास में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो आप मुझे जैकेट भी दिया करें, और आज मैं ईयरमफ भी पहन के जाऊंगी। मैंने बोला ठीक है। दो बज गए हैं अभी, हम लोग रेडी हो गए हैं। आज हम लोग फिर से जा रहे हैं लाम की वैक्सीन के लिए, और सिर्फ हमारे पास 2 घंटे, हमने आना जाना भी करना है, क्योंकि 3:30 बजे तक है हमें यहाँ पे वापस आना है। इशाल 4:45 बजे तक आती है, और रमेश को 3:30 बजे अपने जॉब पे जाना है। तो बस अभी देखते हैं कि मतलब रास्ते में ट्रैफिक वगैरह ना मिले, तो जल्दी जल्दी से हम लोग जाएँ और आ भी जाएँ वापस टाइम पर। Thank you.
पूरे रास्ते तो हमें ट्रैफिक नहीं मिला था, लेकिन जब हम लोग दुबई हेल्थ के पास पहुंचने लगे थे तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक था, वो भी सिर्फ स्कूल की वजह से, क्योंकि यही टाइम स्कूल की बसों का होता है और स्कूल की बसों की वजह से ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो बस फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। रमेश को पूरे रास्ते में बस यही टेंशन थी कि हम लोग यहाँ पे टाइम पे पहुँच भी पाएंगे कि नहीं और रास्ते में ट्रैफिक मिलेगी कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक थोड़ी सी मिली और हम लोग यहाँ पे टाइम पे पहुँच गए थे। हमारी अपॉइंटमेंट तो 6 बजे की थी, लेकिन रमेश को जॉब पे जाना था इसके लिए हम लोग 2 बजे ही आ गए थे। तो आज भी जब हम लोग यहाँ पे गए तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए गए, वहाँ पे वैक्सीन की 52 दिरहम फ़ी पे करी। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप नर्स के पास जाएँ वैक्सीनेशन रूम में। तो जैसे हम लोग वैक्सीनेशन रूम में गए, नर्स वहाँ पे मतलब खाली बैठी थी, लेकिन फिर भी उसने वैक्सीन नहीं लगाई और बोलने लगी कि मतलब मुझे अभी हैंडओवर करना है तो आप प्लीज़ बाहर रिसेप्शन पे वेट करें और उसके बाद मैं आपको कॉल करूँगी। तो मैंने उसको बोला कि कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा क्या? तो बोली हाँ। तो फिर मैंने बोला मेरे हस्बैंड को जॉब पर जाना है, वो लेट हो रहे हैं, तो प्लीज़ अगर जल्दी कर दें तो मेहरबानी होगी। तो बोली नहीं नहीं आप बाहर वेट करो, मैं आपको बुलाती हूँ। तो फिर मैं चली गई। फिर जब मैं वेटिंग में पहुंची तो 5 मिनट के बाद उसने बुला लिया। बस अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट के अंदर सारा काम हो गया। और मतलब मेरे साथ ये आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ, मैं यहाँ पे जितनी बार भी गई हूँ इन लोग ने ऐसे ही किया। जब भी इनके पास जाओ तो ये बोलेंगे कि आप फला के पास जाओ, फला के पास जाओ, तो वो बोलेंगे आप फला के पास जाओ। मतलब पेशेंट को मतलब ये लोग इधर उधर घुमाते रहते हैं और अपने काम दूसरों के ऊपर डालते हैं। वैक्सीन लगाने के लिए सिर्फ 1 मिनट लगता है, लेकिन पता नहीं ये लोग इतने नखरे क्यों करते हैं, सिर्फ मतलब बंदे को इतना तंग करें कि मतलब दोबारा बंदा यहाँ पे आने के लिए सोचे। और यहाँ पे ये भी है कि मतलब अगर से कोई दूसरी नेशनलिटी हो इंडियन पाकिस्तानी के अलावा तो उसको ये लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, जैसे लोकल हो गए, यूरोपियन हो गए, अमेरिकन हो गए, तो उनके साथ में हंस हंस के और एकदम अच्छे से बात करेंगे। और हम लोग चले जाएँ तो हम लोग को मुँह भी नहीं लगाएंगे और टेढ़े मुड़े मुँह बना के बातें करेंगे, ऐसे लग रहा है हम फ्री में लगाने जा रहे हैं। पैसे तो आप बराबर ले रहे हो तो ट्रीटमेंट भी वैसे ही दो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3:15 ही बजे हैं और हम लोग घर पे टाइम पे पहुंच गए। रमीज़ ने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था और वो अपनी जॉब के लिए निकल गए, उनको भी लेट नहीं हुआ था, आधा घंटा उनको भी लग जाएगा अपनी जॉब पे लोकेशन पे जाने के लिए। और इशाल के आने में अभी टाइम है, तो बस मैं घर पे पहले जाऊँगी फिर उसको लेने आऊँगी। इल्हाम को मतलब जब भी वैक्सीन लगता है वो रोती नहीं है, माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इशाल को जब भी वैक्सीन लगता था वो बहुत ज़्यादा रोती थी। और आज इशार के स्कूल में भी उसको भी वैक्सीन लगना है चिकन पॉक्स का। तो बस जैसे ही मैं घर में आई 10 मिनट के बाद इशार की बस अटेंडेंट का कॉल आ गया, तो बस अब हम उसको लेने जा रहे हैं। इशार ना जब भी मेरे साथ वॉक पे जाती थी तो मुझसे ना पेड़ों के बारे में पूछती थी कि मतलब ये कौन सा पेड़ है, ये कौन सा प्लांट है। तो जो चीज़ों के मुझे पता होते थे वो मैं उसको बता देती थी। और बहुत सारे जो हमारे आस पास पेड़ होते हैं वो ज़्यादातर जंगली होते हैं, तो उनके बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो उसके लिए मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है, उसका नाम है पिक्चर दिस। तो कोई भी प्लांट या ट्री का आपको नज़दीक से फ़ोटो लेना है और जैसे ही वो फ़ोटो लेगा तो उस प्लांट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा, जैसे कि उसकी हेल्थ क्या है, अगर से उसको कुछ कमी है तो आपने उसको क्या देना है, कौन सी न्यूट्रिशन की कमी है, पानी कितने दिन में देना है उसको, हर चीज़ के बारे में बताएगा, उसमें टॉक्सिन है या पॉइजनस है, ये सारी चीज़ें बताएगा। किसी भी पर्टिकुलर प्लांट का मतलब हार्वेस्ट सीज़न कब है, इसमें फ्रूट्स या फ्लावर आते हैं या नहीं आते हैं, तो मतलब कौन से सीज़न में आते हैं। और मतलब इसमें वीडियोस भी दिए होते हैं कि अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं। तो हमें मतलब प्लांट्स के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो हम इस ऐप से ले लेते हैं। और हमारे एरिया में जितने भी प्लांट और ट्रीज़ हैं हमने सबको स्कैन कर लिया है। और अब विशाल जब भी पूछती है तो मैं बस ऐप में उसको ओपन करती हूँ और उसको उसका नाम बता देती हूँ और उसके बारे में जो भी उसको पूछना होता है मैं उसको बता देती हूँ। तो जहाँ पे इशाल को मैं स्कूल से पिकअप या ड्रॉप करती हूँ वहाँ पे भी एक प्लांट लगा है जिसमें वो पिंक फ्लावर्स आते हैं, तो उसके बारे में हमें नहीं पता था कि वो मतलब टॉक्सिनेटेड है या नहीं है। तो जब मैंने उसको स्कैन किया था पता लगा कि वो भी पॉइजनस ट्री है और उससे भी मतलब बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं अगर कंज्यूम करें तो, मतलब अगर आपके पेट में जाएगा तो प्रॉब्लम्स है, मतलब अगर से आपने टच किया तो बस आप हैंड वॉश कर सकते हो तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे हमने कितनी बार वहाँ से फ्लावर्स मतलब कलेक्ट किए, तो अब इशार जब भी उसके पास जाती है तो बोलती है मुझे डर लगता है इसके साथ में, अब मैं इसको टच नहीं करूँगी। स्कूल से आने के बाद इशार सीधा शावर में चली गई थी और मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मैंने एग प्लांट को रोस्ट करने के लिए रख दिया था और साथ में मैंने इल्हाम के लिए थोड़ा सा हलवा बना लिया था दूध डाल के। एक प्लांट अब रोस्ट हो गया था तो उसकी स्किन मैंने निकाल ली थी और फोक के साथ में उसको अच्छे से मैश कर लिया था।
तो अभी भी इसमें कुछ पीसेस ऐसे हैं जो मतलब अच्छी तरह से कुक नहीं हुए हैं, तो वो जब हम टमाटर वगैरह के साथ में उसको फ्राई करेंगे तो वो गल जाएंगे। आंटी भी पाकिस्तान से आ गई थी, तो उन्होंने ये सारी पाकिस्तान की सौगातें लेके आई थी। तो यहाँ पे कुरमुरे हैं, सेव हैं, और मीठी सेवइयाँ हैं, और रेवड़ी है, लेकिन सारी चीज़ों में अचार मिक्स हो गया था, क्योंकि उनकी जो भी अचार की बॉटल्स थी उसमें से जितना भी ऑयल निकला था वो सारी चीज़ों में लग गया था। तो अब जो मीठी चीज़ें हैं वो भी स्पाइसी हो गई हैं अचार की वजह से। तो सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रख दी हैं, अब इसको खाने के टाइम तड़का लगाऊंगी। अभी फ़िलहाल चाय बना रही हूँ, कुरान का टाइम होने वाला है, शाल ने शावर ले लिए, नमाज़ पढ़ लिए, खाना भी खा लिया, और मेरा किचन का काम भी ख़त्म हो गया है। साथ साथ में मैं कपड़े भी वॉश करने मैंने डाल दिए थे, अभी एक हो गए। अभी मैं इनके किचन में, इनके वॉशरूम में कपड़े वॉश करती हूँ, क्योंकि इनके पास ऑटोमेटिक मशीन है, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर वॉश कर लिया करें। तो हर दूसरे दिन मैं इनके वॉशरूम में जाके वॉश कर लेती हूँ, कि इनका वॉशरूम सेपरेट है, रूम अंदर है। गर्मी के मारे ना सबके एसी अब ख़राब हो गए, तो कल से हमारे विला के ओनर ने सबका एसी अभी सही करवाना स्टार्ट किया, सबकी मेंटेनेंस हो गई। बाजू वाले रूम में तो नया एसी आ गया, और अभी ये सबके एसी क्लीन कर रहे हैं। यहाँ पर आंटी का, उनके बाजू में टेलर शॉप, फिर उधर एक पाकिस्तानी काम भी है, फिर उनका खुद का भी, सबके मतलब आज क्लीन हो जाएंगे। आज मैंने इशार का लंच बॉक्स बैग भी वॉश किया है, लेकिन फिर भी पीछे से मतलब साफ़ नहीं हुआ है, ये ब्लैक ब्लैक ही है, आगे से सब जगह से साफ़ हो गया है। अच्छा, मुझे आप लोगों से पूछना था कि आप लोग स्कूल बैग कैसे क्लीन करते हैं, क्योंकि वो तो मशीन में नहीं आएगा, मशीन भी छोटी है, और स्कूल बैग में जो हैंडल लगा होता है उसकी वजह से वो बराबर से रोटेट नहीं हो पाएगी। तो कोई अगर आइडिया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ। रेडी भान के लिए बनाया था, उसने खाया ही नहीं, ना ईशान ने खाया, इसने सालन रोटी खा ली, उसने खा ली जो आंटी ने ये चिप्स थे वो खाए। ईशान का कुरान टाइम हो गया है, और बस अभी वो कॉल करेंगी, तो मैंने ईशान को बोला जब तक कि तुम रिवाइज कर लो बैठ के। अभी लोग का स्टडी टाइम हो गया है, वहाँ पर पता नहीं क्या लिखना है, इंशाल्लाह ने कुछ मिस किया है। हमको नींद आ गई स्टडी के टाइम पे, 9 बज गया है, ईशाल की स्टडी अभी तक नहीं हुई है। मैं जा रही हूँ खाना बनाने, रो रो के करिए, सिर्फ 2 पेजेस दिए मैथ्स के, तो उसको इतना रोना आता है। एक चम्मच तेल लिया मैंने, और एक चम्मच जीरा, एक बड़ा चम्मच मैंने धनिया लिया, एक छोटा चम्मच मिर्ची, एक छोटा चम्मच नमक, एक पिंच के बराबर हल्दी, मसाला भून गया, अब हम इसमें बैगन डाल देंगे। बैगन अभी इसको हम लोग लो फ्लेम पे कम से कम 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे, ताकि जो भी थोड़े से कच्चे रह गए बैगन वो भी अच्छी तरह से पक जाए। 5 मिनट के बाद इसमें लेमन डाल देंगे, आधा लेमन है ये, तो इसको मैंने 5 मिनट पका लिया और ये अच्छी तरह से गल गया है, और लेमन मैंने इसमें ऐड कर दिया। बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। हाँ तो उठ गई है, नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे। 10:15 बज रहा है, शाल तो अपने बेड पर चल गई, बस सो जाएगी 5-10 मिनट में।
कंपनी तो तेरे ना आते हैं तेरे को तो आईफोन लगता है कैन यू फाइंड मी सी वेयर वेयर दैट्स डी वेयर इज सी या वेयर इज सी इन दिस साइड नॉट हियर दिस इज व्हाट इज दिस येलो मैच विद दिस वन ब्रिंग दिस वन एंड पुल हियर इल्हाम को मैं अभी स्टडी करा रही हूँ 12 बजे बाहर से आने के बाद क्योंकि ये सोई हुई थी wrong ilham it's wrong ise deal aaya na okay I told her to do c now so you have to match c bring from here to here okay friends aaj ke liye itna hi fir milte hain agli video mein thank you for watching bye bye